छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बुधवार को लिखा कि प्रदेशवासियों के साथ साझा करना चाहता हूं राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी। आपको बता दें कि इसका लाभ राज्य में लगभग 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। R9 भारत के लिए गोपी वर्मा की रिपोर्ट करवदा एवं छिदौन से। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां किसानों के खेतों में लगे मोटर पंप को निशाना बनाने वाले सातिर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। आपको बता दें, राजनांदगांव जिले ने अंतर्गत ढेलकाढ़ी थाना की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दो नाबालिग सहित 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामला इस प्रकार है कि ढेलकाढ़ी निवासी बुंदेलाल देशलहरे ने विगत दिनों रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खेत में लगे मोटर पंप की चोरी हो गई। इसके अलावा ग्रामीण खुटबुड़ी के किसान ने भी मोटर पंप चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ढेलकाढ़ी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर की सूचना पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के दौरान प्रयुक्त एक ऑटो गाड़ी, दो दोपहिया वाहन, पल्सर, 4 बैटरी व जाली तार सहित कीमती जुमला 3,10,000 रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि इस शातिर चोर गिरोह का मास्टरमाइंड कबाड़ी राजा उर्फ आरिफ खान के द्वारा अन्य आरोपियों को रोजी में रखकर इस चोरी का अंजाम देते थे। इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ने क्या कहा, देखिए R9 भारत की स्क्रीन टीवी पर। जी सर, ये मोटर पंप जो चोरी का मामला था सर, इसमें क्या कार्रवाई हुई सर और इसको कैसे कटा? क्योंकि जब थाना ठेलकाड़ी ओपन हुआ है तो उसके बाद से कुछ शिकायतें आ रही थी कि आसपास इलाके में मोटर पंप चोरी हो रहा है। तो उसमें डुमरडी कला के एक डुमरडी खार में एक बुंदेल देशलहरे जी हैं, उनके यहाँ चोरी हुआ। फिर खुड़मुड़ी में एक 3 HP का मोटर पंप चोरी हुआ। तो इसमें हमने दोनों में अपराध क्रमांक 5 और अपराध क्रमांक 6 चोरी का कायम किया। जब इसकी विवेचना कर रहे थे तो पता चला कि एक कबाड़ी है, राजा खान कबाड़ी करके, उसकी गतिविधि संदिग्ध लग रही थी। जब इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि राजा खान कबाड़ी जो है वह अपने आसपास के लोगों को 1,000 रुपये 1,500 रुपये रोजी देकर अपने ऑटो में और एक सुशील साहू करके ये दोनों मोटरसाइकिल में और ऑटो में जाके पहले तस्दीक करते थे। उसके बाद तो रात को समय देख के 4 लोग या 5 लोग जाते थे और बकायदा कटर वटर लेके मोटर पंप को निकालते थे। ये अक्सर वैसे मोटर पंप का वो करते थे टारगेट जिसमें प्लास्टिक के पाइप लगे होते थे। तो मेरा सभी ग्रामीणों से एक अनुरोध होगा कि ज़्यादातर कोशिश करें कि लोहे का पाइप ही लगा है, जिससे कि निकालने में कठिनाई हुई है। और इस प्रकरण में हमने करीबन 3 लाख की मसूका जब्त की है, 4 मोटर पंप के साथ एक मगरमच्छ पंप भी जब्त किया है। और आसपास के इलाके में ट्रैक्टरों की बैटरी को चोरी किया जा रहा था, उस ट्रैक्टर की बैटरी को भी जब्त किया गया है, जाली तार को भी जब्त किया गया है। और सभी चारों के चारों आठों के आठों आरोपी न्यायिक रिमांड में जेल में है। सर, शुभ नाम सर? सतीश कुमार पुरिया, थाना प्रभारी। R9 भारत के लिए नरोत्तम साहू की रिपोर्ट राजनांदगांव से।